1 मई 2016 को रेरा के कुछ सेक्शन और 1 मई 2017 को रेरा के सारे सेक्शंस देश में लागू कर दिए गए थे। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव कानून है जो कि पहले बार हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद रियल इस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए लाया गया। अभी तक होम बायर्स जब अपना कोई मकान बुक करते थे किसी रियल इस्टेट डेवलपर के साथ, बिल्डर के साथ, उन्हें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना खर्च करके मिलेगा, इसका कोई भी निश्चितता नहीं थी। पहले बार कानून ने एक ऐसी व्यवस्था ला दी है जिसके द्वारा एक ट्रांसपेरेंसी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, जो आपको कहा जाएगा उतना आपको मिलेगा, जिस समय कहा जाएगा उसमें मिलेगा। इसी रेरा कानून को, जो कि बाद में चैलेंज किया गया तमाम सारे लोगों ने, और उसको दिसंबर 2017 में पूरी तरीके से, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मुंबई उच्च न्यायालय को ये काम दिया गया, उन्होंने सारे के सारी सभी प्रश्नों को एक साथ विराम दे दिया और रेरा कानून पूरी तरह से देश भर में लागू हो गया। आज हमारे देश के 31 राज्यों ने अपने इसके रूल्स बना लिए हैं, 30 राज्यों में इनकी अथॉरिटी बन गई है, 24 राज्यों में ट्रिब्यूनल बन गए हैं और आज के तिथि में लगभग 52,000 के आसपास रियल इस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर हो गए हैं, करीब 42,000 रियल इस्टेट एजेंट्स रजिस्टर हो गए हैं और 46,000 से ज़्यादा केसेस भी अभी तक डिस्पोज ऑफ किए जा चुके हैं। इतना बड़ा ये जो सक्सेस है, इसके पीछे पूरा का पूरा हमारे चाहे होम बायर्स हों, चाहे रियल इस्टेट के जो डेवलपर्स बिल्डर्स हों, जो अन्य हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फाइनेंसर, बैंकर्स, इन सारे के सारे लोगों को मैं आज रेरा डे के सेलिब्रेशन के अवसर पर अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं यही आशा करूँगा कि जो अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने वक्तव्यों में दिया है, जो आज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संकल्प किया है, तमाम सारे अभी कार्रवाई माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की है, उन सब के पीछे जो हमारा रेरा का जो उत्तरदायित्व है वो है कि इस पूरे की पूरी रियल इस्टेट बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी, इसको लाना और इसके माध्यम से जो देश के विकास को पूरा पूरा भाग देना। तो मैं आप सारे लोगों को अपनी तरफ से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सबको प्रणाम भी करता हूं। सर, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री ने रियल एस्टेट के लिए आर्थिक पैकेज घोषित किया, लेकिन चिंता उन लोगों की भी है कि जिनका पैसा फंसा हुआ है, क्या उनके प्रोजेक्ट समय से पूरे हो पाएंगे, इसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पहला चीज तो रेरा के आने के बाद एक नए इरा का शुरुआत हुआ और आने वाले समय में जैसे कि अभी जो कोविड की एक वैश्विक महामारी फैली, जिसके नाते हमारे तमाम सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से वापस चले गए, जो पूरा का पूरा जो इसके लिए जो सप्लाई चेन है वो सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, चाहे वो सीमेंट हो, सरिया हो, ईंटे हो, पत्थर हो, ये सब तमाम सारी चीज़ों का डिस्टर्ब हो गया और इसके नाते काफ़ी समय तक इसको नुकसान होगा। इसका आकलन करने के बाद अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक घोषणा की और हमने ऑलरेडी सारे के सारे राज्यों को इस बात की एडवाइजरी जारी कर दी कि वो 6 महीने के लिए 25 मार्च के बाद जो भी प्रोजेक्ट पूरे होने वाले थे, जिनको इस कोरोना की महामारी की वजह से नुकसान हुआ है, उनको 6 महीने के लिए ऑटोमेटिकली, कोई उन्हें एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे उनका डेट जो 6 महीने बढ़ा दिया जाएगा। और रेरा को या राज्य सरकार को ये अपनी तरफ से अगर कहीं पूरे राज्य में या राज्य के किसी भाग में इसकी विशेष परिस्थिति हो तो उसे 3 महीने और बढ़ा सकते हैं। इसका लाभ ये मिलेगा कि तमाम किस्म के लिटिगेशन जो होते, जो तमाम सारे लोग विड्रॉ करते, अल्टीमेटली जो होम बायर से अपना पैसा लगाता है किस बात के लिए, कि अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगाता है कि जो उसे एक अच्छा मकान मिल सके, वो ये नहीं चाहता कि हमारा प्रोजेक्ट फंस जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो 6 या 9 महीने का जो उससे जो एक फोर्स मेजर क्लास के माध्यम से उन्हें जो राहत मिली है, इससे सारे के सारे प्रोजेक्ट समय से पूरा होंगे और समय से पूरा होकर होम बायर को मिलेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि रेरा के पहले के हैं, क्योंकि ये जो 2016 में जब पूरी तरह 17 में पूरी तरह लागू किया गया, उसके पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या किया जाए? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को रेरा के फोल्ड में लेकर के उसके बारे में निर्देश है, ताकि उसका जो पैसा है उसमें आकलन करके कितना काम बाकी है
उसको 70% उसका पैसा वहां होना चाहिए वगैरह वगैरह, और उसको मैं समझता हूँ कि रेरा अथॉरिटी उनको पूरा कराएगी। इसके बाद भी बहुत सारे और सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रेस में आ गए थे। जैसे एक उदाहरण के लिए, मेरी अध्यक्षता में कमेटी NCR के लिए बनी थी और हमने देखा कि NCR रीजन में करीब 300,000 मकान इनकम्प्लीट थे। आपको जानकर के खुशी होगी कि जो हम लोगों ने रेकमेंड किया कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, तमाम सारे एक्शन राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जा रहा, और भारत सरकार ने एक स्ट्रेस फंड क्रिएट किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने 25,000 करोड़ का स्ट्रेस फंड क्रिएट किया, जिसमें 10,000 करोड़ तो भारत सरकार का और 15,000 करोड़ अन्य सोर्सेस उस पर लाया जाएगा। और आज की तिथि में लगभग 5,500 करोड़ के कमिटमेंट वो जो हमारी जो स्वामी स्कीम है उसके माध्यम से किए जा चुके हैं। इसमें करीब 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट, करीब 21,000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज इससे सीधे बेनिफिट होंगे। तो ये हमारा लास्ट माइल स्ट्रेस फंड के माध्यम से उनको, जिसको कहते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं, उस माध्यम से फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवेंशन से आम्रपाली का काम NBCC को मिला। मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही कि लगभग 6,000 से ज़्यादा मकानों के ऊपर NBCC के द्वारा ऑलरेडी काम प्रारंभ हो चुका है। मैं समझता हूँ आम्रपाली के जो होम बायर्स हैं उनको खुशी होगी कि बहुत जल्दी NBCC इस काम को पूरा करेगा। JP's का जो काफ़ी बड़ा एक फंसा हुआ प्रोजेक्ट फंसा हुआ, उसके बारे में भी NCLT के द्वारा एक कमेटी बना दी गई है, और वो भी मैं समझता हूँ कि अभी तो डेट इसमें था, हाल ही में डेट था, और उसको अब आगे मुझे ख्याल है 15 जून के आसपास अगला डेट पड़ा है। तो इसमें भी NBCC एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तो मैं सोचता हूँ सरकार पूरी तरह से चिंतित है, सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। आपको मालूम है कि IBC के में तमाम सारे चेंजेस किए गए, जिससे जो होम बायर्स थे उनको क्रेडिटर बना दिया गया, जिससे कि उनको भी अधिकार इसमें दे दिया गया। तो ऐसे तमाम सारे मेजर्स ले रहे हैं जिसके माध्यम से जो पुराने रेरा एरा के पहले के जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को सामने आना पड़ेगा, जिससे कि उनकी जो कमाई की जो एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने बचा कर रखा है मकान के लिए, उनको पूरा हो सके। ठीक सर, थैंक यू सर। आप पूछिए कि जो अभी मजदूर, ये जो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या चीज़? जी एक्चुअली सर, एक आर्थिक पैकेज भी घोषित हुआ और इस बात की घोषणा की गई कि जो प्रवासी मजदूर अलग अलग स्टेटों में हैं और बड़ी संख्या में अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में काम करने के लिए आते हैं, उनके लिए रेंटल हाउसेस बनाए जाएंगे। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बनेंगे, कितना रेंट होगा, कैसे ले सकते हैं वो? देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत के तरफ बढ़ते कदम के लिए मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा ये निर्णय है। अपने देश में अभी तक जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, उनके लिए इस प्रकार के रेंटल हाउसिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसको सोशल रेंटल हाउसिंग भी कहते हैं तमाम सारे देशों में। जो गांव से या छोटे छोटे कस्बों से बड़े शहरों में, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, ऐसे तमाम सारे शहरों में जो लोग जाते थे, वो पैसा बचाते हैं। क्यों? ताकि वो अपने पैसे को अपने गांव में, अपने छोटे कस्बे में, अपने परिवार के पास भेज सके, उनके बच्चे को, उनके परिवार को उसका फायदा हो सके। पैसा बचाने के लिए वो सबसे बड़ा काम करते थे कि अपने मकान के ऊपर वो झुग्गी में रह सकते थे, अनथराइज एरिया में रह सकते थे, जहाँ पे उनको तमाम सारी सुविधाओं की कमी है, जिससे कि एक आदमी को विकास के लिए जो आवश्यकता होनी चाहिए, अच्छा पानी, अच्छा वातावरण, अच्छा सब कुछ, सारी व्यवस्था, उसको वो कॉम्प्रोमाइज करते थे और उसको चले जाते। और इसका एक बहुत बड़ा नमूना जो भी COVID-19 के दौरान महामारी का जो ये फैला है, बड़ी संख्या में लोग शहरों से गाँव को या छोटे कस्बों को वापस पलायन हो गए। इसके लिए ये निर्णय लिया गया, जिसका घोषणा अभी 2 दिन पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने किया, कि हम लोग एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। ये कैसे करेंगे, इसकी एक पूरी कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगले दो हफ्ते के भीतर हम इसको फाइनल शेप दे देंगे। इसमें सबसे पहले तो ऐसे मकान कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे बने पड़े हैं, पहले भारत सरकार की या राज्य सरकारों की भी योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बने हैं जो कि बंद तो गए, लेकिन आज के डेट में उनका उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि शहर उस समय तक वहाँ पे नहीं था, हो सकता है कुछ ऐसी कमियाँ रही हो। लेकिन आज जब लोगों ने समस्या को देखा है, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, एक अवसर के तौर पे कन्वर्ट करेंगे। इसको कंसेशनर के माध्यम से इसको रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जिसमें चाहे वो मजदूर हों, चाहे गरीब लोग हों, शहर के गरीब लोग हों, स्टूडेंट्स हों, वो भी माइग्रेंट के तौर पर आते हैं, ऐसे तमाम लोग जो शहर में आते हैं, उनको कम से कम रेट पे कंसेशन के माध्यम से उनको ये मकान किराए पे दिए जा सके।
इसको सारा का सारा पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 2-3 हफ्ते के भीतर भीतर ये पूरा डिटेल स्कीम आ जाएगी। दूसरा, जो शहरों में एक सबसे बड़ी समस्या जमीन की होती है कि जहां पे मजदूर काम करते हैं वहां पे जमीन नहीं है, उसके आसपास कोई मकान नहीं है, वो जाकर के बहुत दूर साइकिल से आता है, पैदल आता है, 8-8, 10-10 किलोमीटर चलता है, लेकिन जमीन वहां पे खाली पड़ी हुई है, चाहे फैक्ट्री हो, इंडस्ट्रियल इस्टेट हो, यूनिवर्सिटी हो, ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे मार्केट प्लेसेस हो, ऐसे जगह। इसके अलावा जो सरकारी जो हमारे किसी कंपनीज हो, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, बोर्ड्स हो, जैसे हाउसिंग बोर्ड होते हैं, उनके पास काफ़ी जमीन होती है, खाली पड़ी होती है। तो हम एक ऐसा भी फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक की लैंड हो चाहे प्राइवेट लैंड हो, उस लैंड के ऊपर आप इस प्रकार का रेंटल हाउसिंग के लिए कॉम्प्लेक्सेस तैयार करें, जिसमें सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट होंगे, यानी एक कमरे का मकान, एक कमरा, एक ड्राइंग डाइनिंग, सारा बाथरूम वगैरह, सारी सारी फैसिलिटीज एक परिवार उसमें रह सकता हो, या डॉर्मेट्री टाइप, 4 या 6 लोगों का डॉर्मेट्री हो और उसकी कॉमन फैसिलिटी हो। इस प्रकार का हम एक पूरा मॉडल बना के ला रहे हैं और इसको इतना इस प्रकार का इंसेंटिव देंगे कि जिसके माध्यम से चाहे वो इंस्टीट्यूशन खुद अपने द्वारा या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी और को लगा करके उसको अगले 20 साल के लिए, मतलब 20 साल हम क्यों करें कि 20 साल अगर इस काम को चला देंगे तो ये अपने आप हमारे पार्ट, हमारा ये पार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग एक मॉडल टेनेंसी एक्ट, ये बिल्कुल फाइनल फॉर्म में है, अभी कुछ 2 हफ्ते पहले हमने सारे राज्यों को इसको भेजा, 2 बार में लगातार राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर चुका हूँ। ये हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट, मैं समझता हूँ कि इसको महीने भर के भीतर भीतर हम लोग इसको फाइनल शेप देकर राज्यों को देंगे और ये भी एक ऐतिहासिक कानून होगा, क्योंकि अभी तक हमारे देश में जो रेंटल कानून है वो सारा का सारा जो रेंटी है उसके फेवर में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो लगभग 1.1 करोड़ मकान, 1.1 करोड़, मैं नंबर बताता हूँ, इतना बड़ा नंबर है, ये खाली पड़े। क्यों खाली पड़े? लोग इस बात का भय है, इस बात का डर है कि अगर वो किराए पे देंगे तो शायद उनको वापस नहीं मिलने पाए, क्योंकि कानून ऐसे हैं जो कि कानून के माध्यम से वो नहीं ले सकते, सालों सालों तक कानून उनके कानूनी पेचीदगियों में पड़े रहते हैं। तो अब हम लोग एक बिल्कुल ऐसा सिंपल कानून बना दिए हैं, मॉडल टेनेंसी एक्ट, जिसके माध्यम से जो रेंटी है और रेंटर है दोनों के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस है, और इसके साथ ही साथ जो कानूनी जो व्यवस्था है वो इतनी सिंपल है कि 60 दिन 90 दिन के भीतर भीतर वो उसको फाइनल से भी आ सकता है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा ऐतिहासिक चीज होगा एक बार जब ये राज्यों के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, और ये कानून हमारे हेंस फोर्थ आगे के लिए जो भी रेंटल किया जाएगा उसके ऊपर ये लागू होंगे। जो पुराने हैं, पुराने कानून के मुताबिक चल रहे हैं, उसको तो हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आने वाले समय जो बनेंगे, और ये रूरल एंड अर्बन सब पे, पूरे देश के लिए ये कानून, ऐसा पहले के जो कानून बने केवल अर्बन एरिया में, आपको जानकारी है कि अर्बन एरिया का मतलब होता है कि केवल जो जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी होती है, जबकि उसके बाहर तमाम सारे लोग बाहर रहते हैं, वो गांव कहलाता है, लेकिन हर हालत हर तरीके से वो शहर का रूप लेना ले लेता है, इसको डेवलपमेंट एरिया या प्लानिंग एरिया करते हैं। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हम उसमें लेकर के आए, नए कानून में लेकर के आएंगे, जिसके माध्यम से देश में एक रेंटल हाउसिंग अपने आप में एक नया बिजनेस का रूप ले सकती है। तो ये सब सारे के सारे चीज़ें मैं समझता हूँ कि रेरा डे पे ये भी हमारे जो रियल इस्टेट के जुड़े हुए जो तमाम सारे लोग हैं उनके लिए, चाहे वो रेंटल हाउसिंग हो, चाहे ये हमारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, ये सब एक स्वागत के लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है, और वही हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक छोटा सा ये भी हमारा योगदान होगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।